नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ के सिरी मॉन्टेसरी स्कूल के सभी 18 कैंपसों के 55,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए सीएमएस स्टेशन रोड कैंपस के छात्रों ने विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की जोरदार अपील की। वहीं सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी, सीएमएस प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन और प्रिंसिपल श्रीमती दीपाली गौतम के मार्गदर्शन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मार्च निकालकर रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की मांग की। छात्रों ने हाथों में तख्तियां, प्ले कार्ड, झंडे लेकर संपूर्ण विश्व में एकता और शांति व्यवस्था का आह्वान किया और विश्व के नेताओं से मांग की है कि यूक्रेन की पीड़ित मानवता के पक्ष में दो देशों के बीच युद्ध को तत्काल रोकने की हर संभव कदम उठाएं। इस मौके पर सीएमएस छात्रों ने पत्रकारों से विचार भी रखे और कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना चाहिए। हमें हमारे विद्यालय में वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा दी जाती है जिसका आश्रय ये है कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ऐसे में हम विश्व के नेताओं से अपील करते हैं कि विचारों का शांतिपूर्ण समाधान पीठ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकले जिससे युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके। निकिता नाम की छात्र कहती है कि हम सभी को युद्ध और हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। सभी देशों को शांति और एकता के विचारों को प्रमुखता देनी चाहिए और सैनिकों की बजाय संदेशों का आदान प्रदान करना चाहिए। इस मौके पर छात्रों ने एक स्वर से यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि इसमें और तेजी लानी चाहिए जिससे सभी भारतीय छात्रों को तत्काल स्वदेश लाया जा सके।